जय हिंद दोस्तों, एसएससी सीपीओ प्री एग्जाम 2024 का रिजल्ट आ गया। जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो अपने अपने मार्क्स चेक कर लेंगे। आई होप कि आपने चेक कर ही लिया होगा। तो अगर आप लोगों के मार्क्स पिछले साल के कट ऑफ के आसपास हैं या दो चार नंबर कम भी है, एक दो नंबर कम है तो चलेगा, क्योंकि पिछले ईयर के कंपेरिजन में इस बार वैकेंसी ज्यादा है। 1800 कुछ वैकेंसी थी पिछले साल, इस बार 4000 कुछ आसपास वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने के चांसेस है। दूसरी चीज कि अब आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है। अगर आपके अप्रॉक्स पिछले साल के कट ऑफ के आसपास मार्क्स हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। बात आती है सीपीओ मेंस एग्जाम की। देखो, मेंस एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश पूछी जाती है और इंग्लिश पूछी जाती है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आप लोगों को, आपने देखा ही होगा ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा यूट्यूब चैनल पर 1600 वीडियोज का कलेक्शन है, उस पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। और हमारे सैकड़ों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसएससी सीपीओ क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। पिछले 6 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी सीपीओ मेंस देना है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश उसमें 200 नंबर की पूछी जाती है। उसके लिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई गाइडेंस, कोई डाउट, कुछ भी अगर आपको आता है, आप बेअटक बिना झिझके बिना टेंशन के आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7351706883। आप मेरे से जानकारी लीजिए किसी भी चीज से रिलेटेड। अगर आपको सीपीओ मेंस की तैयारी करनी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या है, कुछ पूछना है, कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि मैंने खुद भी 2019 वाला सीपीओ दिया था और मेरे फुल स्कोर था, तो मैं चाहता हूं कि आपका भी अच्छा स्कोर हो। अगर किसी बच्चे का प्री एग्जाम में स्कोर कम रह जाता है तो मेंस में वो खींच सकता है, ठीक है। अगर किसी का 155-156 के आसपास मार्क्स हैं तो समझ लो उसको आसानी से 150 के आसपास भी मार्क्स हैं तो आसानी से उसको दिल्ली पुलिस मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, किसी के 135 भी हैं, 135 के आसपास हैं, तो समझ लो कि आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब चांसेस हैं कि उसका जो है प्री क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस के लिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, देखो, अगर या तो आप घर बैठे पढ़ लो, घर बैठे भी मैं आपको तैयारी करा दूंगा हर तरह से। अगर आपको फ्री में करनी है, मैं यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट बना रखी है जो प्रैक्टिस के पर्पज से एकदम मास्टर प्लेलिस्ट है, आप वहां से तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है प्लेलिस्ट से रिलेटेड, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट पढ़नी चाहिए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, सब बता दूंगा, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट में इतना अच्छा और प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है, वहां से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई हो तो ऑब्वियसली आपको इतनी जानकारी तो है कि आप आराम से मेंस की तैयारी, इतना तो पता होगा कि कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए जरूरी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं पता तो मेरे से जानकारी ले लो। अगर आपको वन शॉट सॉल्यूशन चाहिए, कहीं एक जगह से पढ़ना है, तो हमने एसएससी सीपीओ मेंस और सीजीएल 2024 प्री के लिए स्पेशल बैच निकाला है, क्रैश कोर्स, जिसका नाम है सफलता द क्रैश कोर्स बैच, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, 399 रुपीज में आपको मिल जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे ये बैच चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें मैं आपको मास्टर क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में हिट होंगे। सारा का सारा ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं घर बैठे। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं थोड़ी सी कठिन मेहनत करना चाहता हूं, ज्यादा मेहनत करना चाहता हूं, रिस्क नहीं लेना चाहता, और कुछ चीजें हैं, कुछ कमियां हैं जो मैंने छोड़ दी थी, उनको मैं पूरा करना चाहता हूं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज, मैंने पहले भी स्ट्रेटेजिक वीडियो में बताया था कि आप 2 महीने के लिए घर छोड़ दो, ठीक है। 2 महीने का टाइम है, चाहे आप सीजीएल प्री दे रहे हो या सीपीओ मेंस दे रहे हो, आप 2 महीने के लिए घर छोड़ दो। स्पेशली इसलिए क्योंकि आप सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको इंग्लिश ही की प्रॉब्लम है, इंग्लिश ही पढ़नी है और इंग्लिश ही मैं पढ़ाता हूं, मेरे पास आ जाओ, गुरुकुल ज्वाइन कर लो। आपको यहां पे मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि 2 महीने में आपकी कंप्लीट इंग्लिश करा दूं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं हार्डवर्क करवाऊंगा आपको, दिन में खूब 7-8 घंटे आराम से इंग्लिश पढ़नी है। और अगर आपकी छोटी मोटी कमियां भी होंगी ना, तो देखो, अगर आपका जैसे मान लो 200 में से 120 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, तो भाई 2 महीने के अंदर आपके 150-160 जाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फर्निश करना है, मेहनत करनी है, यहाँ पर खाना बना हुआ मिलता है, हॉस्टल एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलता है। आप 2 महीने के लिए घर छोड़ दो, ठीक है, मैं तैयारी कराऊंगा आपको 2 महीने में, ठीक है। तो आराम से इसी नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है 7351706883। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। ऑनलाइन पेड कोर्स भी है, ऑनलाइन फ्री कोर्स भी है यूट्यूब पे, सारी की सारी जानकारी आप ले सकते हैं, घर बैठे गाइडेंस ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, आप मेरे पास आ सकते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी, खाना बना हुआ मिलेगा आपको, हॉस्टल में ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, गुरुकुल में अगर आपको आना है 2 महीने के लिए। तो किसी भी तरह से अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है, रिस्क नहीं लेना है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको हर तरह से गाइड करूंगा।